पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन के कई अधिकारियों के साथ क्षेत्र की जनता की चुनौतियों के समाधानों का संकल्प लेकर आज यहां पर बैठक करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। डीएम साहब और एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि चाहे वो पेयजल की समस्या हो, चाहे वो विशेष रूप से समाज कल्याण के कार्य हो अथवा सड़कों की मरम्मत का प्रयास हो, इन सभी प्रयासों में एक निश्चित अवधि में समाधान हर ग्राम तक पहुंचाने का काम जिला की प्रशासनिक टीम करेगी। मेरा विशेष आग्रह रहा आज जिला अधिकारी को कि किसान के सम्मान में जो हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर्स हैं, उनकी लिस्ट को सब सेंटर्स के साथ जोड़कर बढ़ाया जाए। मैं अभिनंदन देना चाहूंगी जिला अधिकारियों को जो त्वरित रूप से किसान का डिजिटल भुगतान करने में सफल हो पाए हैं। इसी प्रकार की प्रतिबद्धता की वजह से सलोन विधानसभा की जनता अपना आभार जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के सम्मुख बार बार प्रेषित करती है। आप ऐसी बुनियादी चीजों की आपने आज उद्घाटन किया जिसका यहाँ पे बहुत पहले कार्य हो जाना चाहिए। मुझे आप कुछ कहना चाहेंगे कि कमी रही, चूंकि सेंटर पावर सेंटर रायबरेली अमेठी रहा है हरदम आजादी के बाद से। ये सत्य है कि देश भर में वर्षों वर्ष से चली आ रही एक राजनीतिक पार्टी के मुखिया का परिवार अमेठी रायबरेली में अपनी राजनीति करता था, लेकिन अमेठी रायबरेली में और विशेषतः सलोन विधानसभा में आज 12 आंगनवाड़ियों का बनना निश्चित रूप से इस बात का संकेत है कि वर्षों से विकास कार्य जो लंबित थे उनको पूरा करने में प्रगतिशील सरकार का अपना योगदान है। जनता ने इसी परिवर्तन के लिए भाजपा को वोट दिया था और मुझे इस बात का संतोष है कि जनता की इन उम्मीदों पर कार्य के दम पर हम खरे उतर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें अमेठी की तस्वीरें जहां पर स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर पहुंची हैं। आपको बता दें इस दौरान उन्होंने अमेठी वासियों को कई योजनाओं की सौगात दी है। अमेठी की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें एक महत्वपूर्ण बैठक का भी आज आयोजन किया गया और आपको बता दें इससे पहले स्मृति ईरानी ने पूजा अर्चना भी की। तो सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें अमेठी की ये तस्वीरें हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी की दौरे पर पहुंची हुई हैं और इस दौरान उन्होंने एक समीक्षा बैठक भी की। लगातार जो है स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने बैठक की और बैठक के बाद यहाँ पर डीएम एसपी मौजूद थे। उस बैठक के बाद आप देखिए कि किस तरीके से जो भारी संख्या में कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं उनसे मुलाकात कर रही हैं और मुलाकात के साथ जो तमाम फरियादी हैं वो अपनी फरियाद लेकर के भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तो उनकी फरियाद को भी सुन रहे हैं। लगातार डीएम एसपी हैं, उनको निर्देश भी दे रहे हैं। लेकिन बैठक में उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जिस तरीके से इस कोविड काल के दौरान बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। गाजियाबाद से खबर है जहां पर भाई ने छोटे भाई की पीट करके हत्या।